बॉलर तैयार अपनी जगह पर गेंद करने के लिए। बैट्समैन तैयार हुए, बॉलर ने रनिंग स्टार्ट की, आए मुड़े गेंद की और कवर की जानब खेला है। रन आउट होने का खतरा और ये रन आउट। बॉलर आए तैयार हुए गेंद करने के लिए और बैट्समैन ने आस्ते से खेला अपने पैरों के पास, कीपर दौड़ के आया, उन्होंने गेंद उठाई और बॉलर को दे दिया और इस तरह दूसरे ओवर का इख्तिताम। तीसरे ओवर का खेल शुरू हो जाता है। दो ओवर के अख्ताम पे 29 रन बना चुकी है और एक विकेट के नुकसान पे। तीसरे ओवर का पहला गेंद और खूबसूरत शॉट खेला मिड विकेट की जानेब और ये 4 रन, अंपायर का इशारा 4 रन। 4 रन के साथ अब स्कोर हो गया बढ़ के 33। तीसरा ओवर जारी, तीसरे ओवर का दूसरी गेंद और इस दफा फिर खूबसूरत शॉट खेला, फील्डर गेंद के नीचे है मगर कामयाब नहीं हो सके और बैट्समैन ने दौड़ के 2 रन कंप्लीट किए। 2 रन के साथ अब स्कोर हो गया है 35। गेंद करने के लिए और काफ़ी वाइड गेंद दी है, अंपायर ने दोनों बाजू अपने फैला दिए, इसका इशारा ये है कि वाइड गेंद है। इस वाइड गेंद के साथ ही स्कोर में 1 रन का और इजाफा हो गया, स्कोर अब बढ़कर 36 हो गया है। बॉलर तैयार गेंद करने के लिए, गेंद की और शॉट खेलने की कोशिश की मगर बीट हो गया, गेंद जो है वो कीपर से बीट होकर पीछे चलेगी और बैट्समैन जो है वो रन बनाने में नाकाम रहे। बॉलर अंपायर को क्रॉस किया और खूबसूरत शॉट हवा में, आउट होने का खतरा मगर कैच लेने में नाकाम फील्डर और बैट्समैन ने 1 रन बनाने में कामयाब हो गए। तैयार गेंद करने के लिए आए गेंद की और एक मरतबा फिर मिड विकेट की तरफ खेला, गेंद हवा में और फील्डर ने ये कैच कर लिया और दूसरी विकेट के नुकसान पे इस वक्त 36 रन के साथ खेल रही है टीम। आए गेंद करने के लिए बीट हो गए और अंपायर का इशारा वाइड गेंद, इस वाइड गेंद के साथ 37 रन हो गए हैं अभी। आए गेंद की और बीट हो गए मगर इस दफ़ा जो है वो किसी किस्म का इशारा नहीं दिया और उसके साथ ही ओवर का इख्तिताम। और यकीनी तौर पर ये देखना पड़ेगा अभी अंपायर का इशारा मगर ये बाउंड्री के अंदर ही था और कैच लेने में कामयाब हो गए। गेंद काफ़ी देर हवा में रही थी और फील्डर ने खूबसूरती से गिरफ्त में ले लिया और उसके साथ ही 3 विकेटों के नुकसान पे स्पोर्ट्स का स्कोर 42 और उसकी 3 विकेटें गिर चुकी हैं और मैच का ये 4th ओवर जारी है। लेफ्ट हैंडर क्या क्रीज पर मौजूद हैं, बॉलर जो है वो फील्ड का जायजा ले रहे हैं, फील्ड को तरतीब दे रहे हैं। इस वक्त मैच पर जो है वो गिरफ्त बरकरार रखे हुए हैं अलशहबाज मेमनकोट, वाइड अंपायर का इशारा, स्कोर बढ़कर 43 हो गई। ऑन स्पोर्ट्स का ताल्लुक है वो जकरिया गोट से और उसके मद्देमुकाबले जो टीम खेल रही है वो अलशहबाज मेमनकोट। बॉलर तैयार गेंद करने के लिए आए, बाजू उठाए गेंद की और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ने उठा के खेला, यकीनी तौर पर ये चौका होगा। बॉलर आए गेंद की और खूबसूरती के साथ खेला गेंद सीधी फाइन लेग से होती हुई बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई तो इसके साथ ही एक और चौका लगाने में कामयाब और स्कोर बढ़कर अब हो गई है 47। बॉलर आए गेंद करने के लिए, आए गेंद की और उठा के खेला एक दफ़ा फिर और ये अंपायर का इशारा 4 रन, बल्कि अंपायर ने अब इशारा किया कि ये 6 रन है। काफ़ी तेज़ी के साथ स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं ये लेफ्ट हैंडर बैट्समैन।
आते ही स्कोर बोर्ड की रफ्तार को काफ़ी तेज़ करने में कामयाब हो गए और इसके साथ ही ओवर भी अख्ताम पजीर हो गया। चार ओवर के अख्ताम में ऑनर स्पोर्ट्स ने 62 रन बनाए और उसके तीन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। काफ़ी रन तो काफ़ी तेज़ी से बना रही है, 62 रन हैं चार ओवर में। पाँचवें ओवर का खेल शुरू, आए गेंद की उठा के खेला। यकीनी तौर पर ये फील्डर तो गेंद को आसानी से पकड़ लेंगे और इस दौरान फील्डर जो है वो बैट्समैन एक रन बनाने में कामयाब हो गए। इसके साथ ही स्कोर में एक रन का इजाफा, स्कोर बढ़कर अब हो गए 63। पाँचवें ओवर का खेल जारी, ऑन स्पोर्ट्स जिसका ताल्लुक सतिया स्पोर्ट्स से है और उसके मध्य मुकाबले जो फील्डिंग करने वाली टीम है वो अल शहबाज मेमन गोट की टीम है। काफ़ी तेज़ गेंद दी, बैट्समैन बिल्कुल समझ नहीं सके और उसके पैरों पे लग गया। 8-8 ओवर पर मुश्तमल ये मैच होगा क्योंकि वक्त की कमी को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी ने ये फैसला किया कि 8 ओवर पर ये खेल मुश्तमल होगा। वैसे टूर्नामेंट के रूल में 10 ओवर के मैचेस होंगे मगर जो टीम जो है देर से आने तो आने की वजह से 2 ओवर काट दिए गए हैं। बॉलर तैयार गेंद करने के लिए, लेफ्ट हैंड बैट्समैन काफ़ी तेज़ी के साथ खेल रहे हैं और स्कोर को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिया। एक और शॉट मगर इस दफ़ा सही तरीके से गेंद को समझ नहीं सके और फिर भी एक रन जो है वो हासिल करने में कामयाब हो गया। बॉलर एक दफ़ा फिर आए गेंद करने के लिए, एक दफ़ा फिर अच्छी गेंद दी, इस दफ़ा ऑफ स्टंप पर पड़कर गेंद बाहर निकली और कीपर ने चाबुक दस्ती के साथ गेंद को अपने हाथों में दबोच लिया। बॉलर एक दफ़ा फिर आए गेंद की और खूबसूरत गेंद कर रहे हैं अभी इस वक्त से। काफ़ी तीन गेंदों में मुसलसल बैट्समैन को परेशान किया हुआ है, मुसलसल तीन गेंदें बीट कर चुके हैं अब तक। यकीन तौर पर इस ओवर से थोड़ा सा जो है प्रेशर में आए होंगे बैट्समैन। बॉलर तैयार गेंद करने के लिए, आए गेंद की, इस दफ़ा अंपायर ने बाजू फैला दिए और इशारा किया कि ये आउट नहीं होगी गेंद और एक रन जो है वो अगली टीम को मिलेगा। और विकेट के नुकसान पर ऑन स्पोर्ट्स 71 रन के साथ अब 4 खिलाड़ी उसके आउट हो चुके हैं। इसके बाद 2 ओवरों का खेल मजीद होगा, अब देखते हैं 2 ओवरों में किस तरह की प्लानिंग करेंगे कप्तान, क्योंकि यकीनी तौर पर इस पिच पर 100 रन का टारगेट तो देना चाहिए अगली टीम को, फिर थोड़ी सी मुस्तहकम हो जाएगी टीम और 100 रन को चेस करने के लिए यकीन तौर पर जो है वो दूसरी टीम जो है थोड़ा सा दबाव का शिकार होगी। बॉलर आए गेंद की और अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा मगर अंपायर ने किसी किस्म का कोई इशारा नहीं दिया। 73 बल्कि 74 स्कोर अब हो चुका है ऑन स्पोर्ट्स का। 7वें ओवर का खेल जारी, बॉलर आए गेंद की और बीच हो गए, अच्छी गेंद करने में कामयाब हो गए ये दोनों बॉलर। जो अब इससे पहले भी जो बॉलर आए थे उन्होंने भी अच्छी गेंदें की, काफ़ी रन्स को बचा के रखा अपनी टीम के लिए, बैट्समैन को परेशान करने में भी कामयाब हो गए थे। एक दफ़ा फिर आए गेंद करने के लिए गेंद की, इस दफ़ा फिर बैट्समैन जो है वो मजबूर हो गए हैं, बिल्कुल यानी कि बॉलर के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं और बैट को लेके ज़मीन पर बैठ गए। क्या कहेंगे मुराद नैयर साहब, जो ये मैच चल रहा है इसके बारे में आप क्या? मैं समझता हूँ बैट्समैन जल्दबाजी कर रहा है, गेंदें उसके स्लो हैं, वेट करना चाहिए उसको। ये देखो उठा के खेला और ये अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। 6 रन, 7वें ओवर का खेल जारी और इसके बाद एक और ओवर का खेल होगा और उसके बाद ये पहली इनिंग खत्म हो जाएगी। बॉलर आए गेंद की, स्लो गेंद थी और उसके बाद फिर बीट हो गए और अच्छी गेंद थी और अंपायर का इशारा कि ये स्टंप राउंड थोड़े से उसके पांव आगे थे और चाबक दस्ती से कीपर ने बिल्कुल स्टंप उगाड़ दिए, तो ये एक और विकेट का नुकसान। 7 ओवर के अख्ताम पे 80 रन बनाने में कामयाब हो गए। अमरा साहब क्या कहेंगे, अभी 7 ओवर का खेल हो चुका है, अब क्या कहेंगे आखिरी ओवर में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? मैं कहता हूँ आखिरी ओवर में तकरीबन 20-25 रन बनने चाहिए क्योंकि वो जो है ना, वो जो टीम बैटिंग कर रही है वो मजबूत पोजीशन में होगी, वरना उससे कम
चांस नहीं है फिर जीतने का। आखिरी ओवर का पहली गेंद करने के लिए आया और उठा के खेला मिड ऑफ की तरफ और ये चार रन्स, बात इशारा किया कि ये चार रन्स हैं। आखिरी ओवर में धुआंधार बैटिंग शुरू करना शुरू कर दिया है और आखिरी ओवर के अभी चार गेंदें बाकी रहती हैं और 85 रन हो चुके हैं। बॉलर आए गेंद की, उठा के खेला और यकीनी तौर पर ये 6 रन होंगे। इस तरह अब स्कोर हो गया 91। क्या कहेंगे इमरान साहब, 3 गेंदें बाकी हैं और रन अभी बढ़कर 91 हो गए हैं। मैं समझता हूँ अच्छा खासा टोटल है, मुकाबले वाला टोटल है। तो अब देखते हैं कि आखिरी 3 ओवरों में ये सेंचुरी करने में कामयाब होगी या नहीं। और खूबसूरत शॉट खेला, बिल्कुल उसको यकीनी तौर पर ये 4 रन होगा और बहुत खूबसूरत शॉट, पैरों में गेंद जो है उसके पैरों पे आ रही थी, उसको बिल्कुल खूबसूरती के साथ उसको टच किया और गेंद तेज रफ्तारी के साथ जो है वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। इधर आए उन्होंने शुरू किया ऐसे ऐसे दौड़े मतलब चाल के साथ आए गेंद की और फिर उठाने में कामयाब हो गए। लेकिन ये हो सकता है ये कैच भी ले के नीचे है और ये कैच ड्रॉप कर दिया, मगर बैट्समैन इस दौरान 2 रन बनाने में कामयाब हुए। तीसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं मगर तीसरे रन नहीं बना सके और गेंद जो पहुँच गई बॉलर के हाथ में। 8 ओवरों का खेल इफ्तिताह पे। मैं कहता हूँ ये जो बॉलिंग कर रही है इनका साइड जो है ना मजबूत है, ये बैटिंग वाली टीम बड़ी मुश्किलों से जीतेगी अगर वो हार्ड हिटिंग करे। फिर तकरीबन हर ओवर में एक बाउंड्री आ रही है, हर ओवर में एक बाउंड्री आ रही है, तकरीबन 20 से ऊपर रन चाहिए, एवरेज जो है ना बढ़ता जा रहा है। 3 ओवर में 150 रन विक्ट्री काफ़ी है, पीछे विक्ट्री काफ़ी है और ये बैट्समैन जो जोड़ी हुई खेल रही है ये अभी जम के खेल रही है और उसको थोड़ा आगे आगे बढ़ा रही है और अब इसके बाद 3 ओवरों का खेल बाकी होगा। का खेल बचा है और 15 रन दरकार है इमरान। मैं समझता हूँ बहुत ही सनसनीखेज मैच है, ना बैटिंग वाली चांस, बैटिंग वाली का भी है बॉलिंग वाली मतलब का भी है, दोनों टीमों को चांस है मैच जीतने के लिए। तो आखिरी 6 गेंदें रह गई हैं और 15 रन दरकार हैं। बैट्समैन जो है वो बिल्कुल तैयार हैं क्रीज पर और सामने बॉलर भी जो है वो बॉल करने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं 6 गेंदों पर 15 रन बनाने में कामयाब होगी। मैं समझता हूँ ये बॉलर कोई ख़ास बॉलर नहीं है, इसके ऊपर रन बनने चाहिए। किस तरह की गेंदें करनी चाहिए आपके ख्याल में? मैं कहता हूँ ऑफ स्टम के बाहर गेंदें करें तो बैट्समैन बीट होगा। और उठा के खेला, यकीनी तौर पर ये 6 रन होंगे। पहली गेंद पे 6 रन हासिल कर लिए, बाकी 9 रन दरकार हैं 5 गेंदों पर। एक और उठा हुआ शॉट यकीनी तौर पर छक्का होगा और ये 2 गेंदों पे 12 रन हासिल कर लिए, बाकी 4 गेंदें और 3 रन। मैं आपको पहले ही कह रहा था कि ये बॉलर कोई ख़ास बॉलर नहीं है, इसके ऊपर रन बन सकते हैं। और इस मरतबा फील्डर नीचे है मगर कैच करने में नाकाम हो गए और 2 रन बनाने में कामयाब हो गए। 2 रन बने थे। 14 रन बन चुके हैं 3 गेंदों में। अरे 110 के नहीं है।
और इस तरह 15 रन 4 गेंदों पर।